किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों आज हम आए हैं गांव भट्टीपुरा पुरा में ट्रेंच के जो बहुत ही ज़बरदस्त और ज़िले के नंबर वन किसान हैं उनसे थोड़ा सा परिचय लेंगे। ताऊ जी नमस्ते। नमस्कार जी। नमस्कार मेरे सभी देखने वाले भाइयों को नमस्कार। ताऊ जी ये जो अपना खेत है ट्वेल के उरली तरफ ये कौन सा है और कौन सा बीज है इसमें थोड़ी सी जानकारी। इसमें चार वैरायटी हैं। पिछले साल इसमें पौधा था जी 13235, 14201 और 15023 और 0118। तो ये जो अपने पीछे है ये 13235 है। 13235 तो ये तो इसकी पेड्डी होगी जी। ये पेड्डी है जी। तो ताऊ जी जैसे मैं अभी नीचे नीचे से देख रहा हूँ ये आपने लाल रिबन टोटके से क्या बांध रखे जी। ये फैक्ट्री वालों ने बांध रखे हैं। मतलब इसका क्या मतलब है जी। ये नाप तोल कर पता है कि यहाँ नापना है ना गन्ने की मोटाई जी और लंबाई गन्ना कितना बढ़ रहा है कैसे कितनी स्पीड से बढ़ रहा है। अच्छा मतलब इसकी हाइट हर हफ्ते आते हैं। मतलब हाइट से ले रहे हैं अंदाजा। मतलब उसमें गन्ने भी गिन रखे हैं उन्होंने जहाँ तक उन्हें पता है कहाँ तक है। ठीक है अंदर भी बांध रखे हैं। अच्छा अंदर भी है मतलब उनका कोई अपना मापक है अलग है उनका सिस्टम। सारे खेतों में बांध रखे हैं उन्होंने। अच्छा अच्छा पल्ले में जो उनसे पहले वीडियो बनाई उसमें बन रही है। ठीक है ठीक है। तो ताऊ जी जैसा आपने ये मिट्टी चढ़ा दी इसमें तो अब इसमें बंधाई की कोई जरूरत नहीं। खुला ही खड़ा रहेगा। खुला खड़ा रहेगा। बहुत बढ़िया। तो बीज कैसा लगा जी। बीज 13235 बढ़िया है। शानदार है बढ़िया। इसके बाद में कौन सा बीज है जी। चारों बीज को आप इसके दिखा बाद दो। है 14201। 14201 भाई देखो ये यहाँ भी रिबन से बंध रहे हैं। ये हर तीसरे खूड को छोड़ के जो है बांध रखे हैं इन्होंने साथियों। यहाँ से जो है ये 14201 है। इसकी थोड़ी सी हाइट ऐसी लगती है जैसे कम हो लेकिन लास्ट तक जो है पूरी हो जाती है। थोड़ी सी इसकी ठंड बनेगी उतनी ठंड में बढ़ता चला जाएगा। मतलब जैसे जैसे और बीज तो रुकेंगे हाँ। ये चलता रहेगा 38 रुक जाएगा लेकिन ये ठंड जैसे बनेगी वैसे ही बढ़वा देगी बढ़ती जाएगा। अच्छा अच्छा ठंड में ज्यादा बढ़े। तो वजन वगैरह का क्या हिसाब है इसका। वजन तो बढ़िया निकला इसका। पर पौधा कटा बीज में गया सर। मतलब बढ़िया निकला। बढ़िया निकला कोई दिक्कत नहीं है ना। और करीब 10 फुट के करीब का गन्ना कटा 14 का। 10 फुट का गन्ना। 10 फुट का और अच्छी मोटाई ले रहा था। हाँ बढ़िया मोटाई ले रहा था। बहुत बढ़िया। इसके बाद में जी वो 15023 15023 को और दिखा दो जी आप साथियों। यहाँ से जो है 15023 है ये गन्ना कैसा था जी। बढ़िया है गन्ना ये भी। बढ़िया हाँ अली वैरायटी ना। बिना बीमारी का कम लागत का कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बीमारी भी कम है। बीमारी कम है इसमें कोई दिक्कत। थ्रिप्स आती है इसमें बस। अच्छा शुरू शुरू ना टॉप बोरर है ना और कोई भी पक्का बोइंग वगैरह कुछ कुछ नहीं। तो किसानों के हक का बीज बिल्कुल देख लो कहीं नहीं। और इसमें भी दो स्प्रे हुए हुए हैं। इसमें भी दो स्प्रे कर रखे हैं आपने। तीन है जी। और इसमें हमने फर्टेरा करी कोरोजन करी भी नहीं। कोरोजन करी भी नहीं ना। फर्टेरा डाल दी मिट्टी चढ़ा दी। बहुत बढ़िया। इसके बाद में कौन सा बीज है जी। 0118 साथियों एक बार हम 0118 और देखेंगे। ये यहाँ से 18 ये यहाँ से जो है 18 शुरू हो गया। तो ये ताऊ जी कैसा बैंगनी सा हो जा। इसका कलर ही बैंगनी है। मतलब इसका जो अपना ही मतलब है अलग ही वो है इसका। अच्छा गन्ना कैसा आ जी। वो गन्ना बढ़िया है। वजनदार बीमारी और वजनदार सबसे ज्यादा वजन है। बीमारी नहीं है, है? बिल्कुल नहीं। कोई सी भी कोई सी नहीं। ये आपके सामने खड़ा देख लो। दवाई वगैरह करनी पड़े कुछ नहीं करते। नहीं दवाई तो करी है मतलब हिफाजत के लिए करी है लेकिन इतनी नहीं कि जैसे 38 में हो रही है बेहिसाब। मतलब उसमें थोड़ी ज्यादा हो जा। और पेड़ आपके सामने देख लो नुकसान टिलिंग का मैं टिलिंग कम नहीं है। मतलब अगर कोई कम जानकार सा किसान है तो वो इसे कर लेगा। हाँ बड़े आराम से कम लागत में। भाई देखो कितना अच्छा गन्ना फूट रहा। ये 0118 है। लंबी वैरायटी है बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है बीज। और पिछली बार जो था आपने देखा भी होगा यहाँ धोरे पे भी एक खूट था। इस बार तो ताऊ जी ने वो ख़त्म करवा दिया। ताऊ जी वो क्यों ख़त्म करवाया धोरे का। उसमें बाद में आ गए ट्रैक्टर बढ़ने में दिक्कत आ रही थी। अच्छा इसमें तो यू है कहीं निकाल लो कहीं बाड़ लो। अगर स्प्रे करना है हाँ जी कुछ करना है तो फट लाकर ट्रैक्टर बाड़ देंगे। उसमें पिछले साल ट्रैक्टर नहीं बढ़ के दिया तो जुद रहा। हाँ फसता ही रहा हमारा। हमने सब खत्म कर दिया। तो चारो बीज को देख के जी कौन सा पास लगा आपको। पास तो अब आप देख लो 18 ही लग रहा सबसे ऊपर। अच्छा अच्छा भाई देखो ये यहाँ से खेत है। इसमें चार वैरायटी है और आपको ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। सभी भाई जो हैं मेरे समझदार हैं। हाइट देख सकते हैं 0118 की कितनी शानदार है। और गन्ने की मोटाई भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है जी। ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छी इसकी मोटाई है। और जैसा ताऊ जी ने बताया कि इसमें किसी भी तरह की बीमारी नहीं आती। तो अगर आपके पास में ये बीज नहीं है तो थोड़ा ताऊ जी से आप ले जाओ और इसकी बुआई करें। ताऊ जी इसमें आपने मतलब जैसे पिड्डी प्रबंधन करा रेटून चलाया होगा।
तो पत्ती सारी दबा दी थी नीचे, तो यही कारण है कि मतलब जो नीचे की मिट्टी जो है ज्यादा खतीली सी हो रही। हाँ बिल्कुल काली हो गई। तो रेटून जो है किसान को चलाना चाहिए? देखो ट्रेंच अगर बो रहे हैं तो बिना रेटून के मजा नहीं है, मतलब कोई फायदा नहीं। जो उसमें हमारा ये गन्ना दब रहा है, हाँ जी, हाँ कम से कम एक डेढ़ बिलान तो दबी रहा है, ठीक है। ये गन्ना कटना जरूरी है जी, अगर ये नहीं कटा तो जो ऊपर की आंख है वही फूट का होंगी, टिल्डिंग ज्यादा नहीं होगी। जी जी जी। और फिर उसमें ये है कि ना खुदाई की जरूरत है, ना घास होती, ना कुछ होता, बिल्कुल साफ हो जाती है। और मतलब जैसे ये पत्ती गलेगी तो ये फसल को लाभ देगी, तो इसका खाद लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सारी पत्ती जोती हमने इसमें। तो अब इसमें आपने क्या क्या खाद लगाया जैसे मिट्टी चढ़ो भाई? भाई इसमें हमने ये मान लो दो धड़ी की डाई डाल ली है, ठीक है जी, और दो धड़ी का हमने मिट्टी चढ़ाने पे यूरिया घेरा है बस। और इसमें सल्फर और कैल्शियम, सल्फर कैल्शियम, फटेरा वगैरह भी डाल लीजिए? नहीं हाँ फटेरा डाल ली, फटेरा भी डाल ली। फटेरा कितने किलो बीघे के हिसाब से डाल लीजिए? वो लड़के को पता कितने गिरवाई ना, वो ध्यान पर डाल ली वैसे। हाँ फटेरा। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से जो है डोज लगा सकते हैं। ताऊ जी ने जो बात है बिल्कुल सही सही बता दी। चर्रो बीज भी मैंने आपको दिखा दिए हैं, अगर किसी भाई को बीज लेना है तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ताऊ जी का नंबर डाल दूंगा। वो अक्टूबर की बुआई में, अक्टूबर में मिल जाएगा या, हाँ, या मार्च में मिलेगा? कभी ले लो, मार्च में भी, अक्टूबर में, मार्च में मिल जाएगा और अक्टूबर में मिल जाएगा। बीज की दिक्कत नहीं है, बीज की कोई दिक्कत नहीं है। रेट तो कितना है? रेट जो है वो आप उसी समय बात करें, अब पता नहीं क्या तो निकलेगा, नॉर्मली रहेंगे, आपका दिक्कत ना। जी जी जी, आपका नॉर्मल रेट रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, लाइक शेयर करें, और जो भाई चैनल पर नए आए हों वो सब्सक्राइब करें। नमस्कार।